नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े YouTube न्यूज़ चैनल लाइव सीरीज को। बहुत सारे किस्से होते हैं, आप जानते हैं राजनीति के अंदर भी बहुत सारे किस्से होते हैं। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आज पांचवें चरण का मतदान हो रहा है। बिहार में भी 5 सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही है, वोटिंग परसेंटेज भी आप लगातार देख रहे होंगे खबरों के माध्यम से। लेकिन रामविलास पासवान आज जब प्रेस वार्ता कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने वो किस्सा सुनाया है जब जमुई में चुनाव हो रहे थे और उस वक्त नरेंद्र सिंह जो जदयू के नेता हैं उनका शायद समर्थन नहीं मिल रहा था। क्या कुछ कह रहे हैं रामविलास पासवान, किस तरीके से किस्सा सुना रहे हैं, और साथ साथ वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि रामा सिंह जो पहले लोजपा में थे लेकिन अब बागी बोल बोल रहे हैं और हाजीपुर में रामविलास पासवान के खिलाफ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट दें। क्या कुछ कह रहे हैं रामविलास पासवान, कौन सा है वो किस्सा जो सुना रहे हैं, वो ज़रा आप भी सुनिए। ये लोग सबके नॉलेज में है, आउट हो गया, और उससे एक अच्छी बात है कि लोग कारण से जो है जितना इन लोगों का दोस्त ऐसे जो तबके हैं उनको जितना दोस्त नहीं होता है उससे ज्यादा उनका दुश्मन होता है। और उसका लाभ भी क्या कहते हैं कि हम लोगों को क्या कहते हैं कि जो है बहुत क्या कहते हैं कि मिला हमारे पास में आए थे क्या कहते हैं सूर्यजवान जी के साथ में मिलने के लिए चुनाव के 2 दिन पहले नरेंद्र सिंह। हमने चिराग से पूछा, बोले पापा छोड़ दीजिए अपना, हम लोगों को जो वोट है अपना 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 इंटेक्ट है आने से, और क्या कहते हैं कि गड़बड़ जो है तो हम लोगों को 25-30% वोट जो है यादव का भी जो है मिल रहा है। बगल में हम लोगों ने गिरधारी यादव को जो है जनता दल से जो है टिकट ये कहते हैं कि दिया था, इसलिए कुल मिलाकर के जो है बिहार में जो है हम लोगों ने जो देखे हैं और जो अभी परसों मीटिंग हुई थी, और आप लोग सब लोग रहते ही हैं और फिर गांव में, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमने देखा कि दलित का जहाँ तक वोट है मैंने दलित मतलब दलित महादलित और अति पिछड़ी जाति ये क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो वोट है, और फिर क्या कहते हैं कि जो अपर कास्ट का क्या कहते हैं कि वोट है, और फिर मान लेते हैं कि जो है नीतीश जी का जो कास्ट है वो अपना उधर है ही, और जो हम लोग सोच रहे थे कि जाकर के जाएंगे ये लोग जो है कुछ वहाँ वोट कटेगा फटेगा वो सब कुछ नहीं हो रहा है। आपने सुना कई सारे किस्से होते हैं जो राजनीति के दौरान निकल आते हैं, प्रेस वार्ता करते हुए रामविलास पासवान ने इन बातों का जिक्र किया है। उन्होंने साफ कहा है कि चाहे जो विरोध में हो लेकिन जनता सब जानती है मैंने हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किया है, और आने वाले समय में जनता बताएगी। आज तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पलटवार किया है कि 23 तारीख को विरोधी धराशायी हो जाएंगे, प्रचंड बहुमत निकल कर आएगा। उन्होंने भी कहा है कि जा करके पहले वो अपने घर में जो किरकिरी मची हुई है उसे दूर करें। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें कौन किरकिरी दूर करता है और किस्से बहुत सारे हैं, लाइव स्ट्रीम भी उन किस्सों से आप रूबरू रखेगा। रामा सिंह से रामविलास पासवान को कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपने सुना है, साफ कर दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर चुनावी किस्से सबसे पहले हम आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।